संहिता के दायरे में रहकर एसडीएम साहब से अनुमति लेकर जितेंद्र जी भार्गव एवं हेमराज जी पटेल समस्त किसान बंधुओं ने आकर के तहसील बनखेड़ी में ज्ञापन सौंपा। बनखेड़ी ब्लॉक के किसानों को बिजली की समस्या बहुत गंभीर स्थिति है। बनखेड़ी ब्लॉक के गाँव में 8 घंटे की जगह 3-4 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे धान की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और धान सूख रही है। किसान की समस्याओं को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है एवं कई प्रकार की समस्याओं से तहसीलदार महोदय को अवगत कराया गया। कैमरामैन राम जी के साथ संवाददाता ब्रजेश पटेल की खास रिपोर्ट आज की आवाज़। बनखेड़ी ब्लॉक में बनखेड़ी ब्लॉक की तहसील कार्यालय के ग्राउंड में यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है हेमराज जी पटेल एवं समस्त किसान बंधु। इन लोगों ने यहाँ आकर तहसील में एक ज्ञापन दिया है, मैं उसके बारे में इनसे चर्चा करूँगा कि किस उपलक्ष्य में ये ज्ञापन दिया है और किन कारणों से। आज बनखेड़ी विकास खंड में पूरे 123 गांव में बिजली की विकराल समस्या बनी हुई है, इसलिए हमने 65-70 गांव के लोग किसान बंधु यहाँ आए थे। पूरी आचार संहिता के नियमों के अनुसार एसडीएम महोदय से अनुमति लेकर आज हम सभी किसान बंधु यहाँ विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाकर नायब तहसीलदार महोदय की मध्यस्थता में हमने पूरी बिंदुवार चर्चा की है और यहाँ किस प्रकार से यहाँ की समस्या है। जले ट्रांसफार्म है, बिजली के तार टूट रहे हैं, बिजली का वोल्टेज इतना लो है जिसमें किसी प्रकार की पानी की मोटरें चालू नहीं हो पाती, घूम नहीं पाती। इसलिए अनेकों प्रकार की समस्याओं से हमने आज विद्युत विभाग एवं यहाँ बनखेड़ी के प्रशासन को अवगत कराया। देखिए कि केंद्र में लेकर राज्य तक पूरी सरकार एक ही होने के बावजूद किसानों को इतनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इस कारण से किसानों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि किसानों की इस आवाज़ को सरकार क्या मद्देनजर रखती है या नहीं रखती है। कैमरामैन रामजी के साथ संवाददाता ब्रजेश पटेल, बनखेड़ी, होशंगाबाद।